हेलो स्टूडेंट्स, वी विल सी लैब नंबर 8 एंड दैट इज अबाउट द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ओके, सो ऑसिलेटर मीन्स यू नो इट विल जनरेट इट्स आउटपुट सिग्नल। सो इट इज इंटरनली जनरेटेड सिग्नल विच इज नथिंग बट द आउटपुट सिग्नल फॉर द ऑसिलेटर। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरसी? बिकॉज वी आर यूजिंग हियर थ्री पेयर्स ऑफ द आरसी। ओके, सो इट विल प्रोवाइड द टोटल 180 डिग्री फेज शिफ्ट बाय यूजिंग द थ्री पेयर्स ऑफ द आरसी। ओके, वन पेयर विल प्रोवाइड द 60 डिग्री फेज शिफ्ट एंड सेकंड विल 60 एंड थर्ड विल आल्सो प्रोवाइड द 60 डिग्री फेज शिफ्ट। सो टोटल फेज शिफ्ट बाय दिस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बाय यूजिंग द थ्री पेयर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द 180 डिग्री फेज शिफ्ट फॉर द इनपुट सिग्नल। ओके, एंड अनदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट दैट विल गेट प्रोवाइडेड बाय दिस निगेटिव टर्मिनल और द इनवर्टिंग टर्मिनल विच कनेक्ट्स द R1 रजिस्टर एंड द RF रजिस्टर। सो एज वी नो ऑसिलेटर प्रोवाइड्स द टोटल 360 डिग्री फेज शिफ्ट। सो दैट 360 डिग्री फेज शिफ्ट इट इज डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट 180। दिस 180 डिग्री फेज शिफ्ट इट इज प्रोवाइडेड बाय द इनवर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प बिकॉज इट इज इनवर्टिंग मीन्स इट प्रोवाइड्स द इनवर्टेड आउटपुट। सो इट प्रोवाइड्स द 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड अनदर फेज शिफ्ट दैट इज प्रोवाइडेड 180 डिग्री फेज शिफ्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय दीज थ्री कॉम्बिनेशंस ऑफ द आरसी फेज शिफ्ट। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वी आर चूजिंग वी आर डिजाइनिंग दिस फर्स्ट वन। सो वी हैड चोजन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस आर एज अ 1 किलो ओम, द कैपेसिटर इट इज टेकन एज अ 1 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस R1 विच इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल इट इज टेकन एज अ 1K एंड RF इट इज टेकन एज अ 29 टाइम्स ऑफ द R1। सो वी गेट द वैल्यू एज 29K बट वी आर यूजिंग द वैल्यू हियर स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज द 30K। ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम इन शॉर्ट। ओके, सो पिन नंबर 2 द RF रजिस्टर इट इज कनेक्टेड बिटवीन पिन नंबर 2 एंड 6, देन R1 इट इज कनेक्टेड बिटवीन पिन नंबर 2 एंड 1 टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R इट इज कनेक्टेड 1 किलो ओम रेजिस्टेंस R इट इज कनेक्टेड बिटवीन द R1 रेजिस्टेंस एंड द ग्राउंड टर्मिनल, then this capacitor it is connected to the resistance R and another terminal of the resistance R and the capacitor which is in series. Okay, again resistance R it is connected to the ground and another terminal it is connected to the capacitor that is the C. Okay, the one terminal of the capacitor it is connected to the resistance R and the capacitor C which is in series. Okay, resistance R, again it is one terminal is grounded and another terminal is connected in series with these two capacitors. Okay, one terminal of this capacitor, it is connected to the pin number 6. Okay, RF resistor, it is connected between pin number 2 and pin number 6. Okay, we will take the output at pin number 6. Pin number 3, that is the positive terminal of op-amp, it is grounded. We will connect the supply plus 12 and minus 12 volt to plus VCC, plus 12 volt, that is pin number 7, and minus 12 volt at the minus VEE. So this is the connection diagram for the RC phase shift oscillator. Okay, so we will see the output now. So the circuit diagram is given here. So as per the connections, I explained you. So we will connect the circuit diagram. Okay, so we will take the output signal. Okay, so you can see here we have taken the output signal. Okay, so you can see the output which is nothing but in sinusoidal nature because RC phase shift oscillator it provides the sinusoidal oscillator as a output signal. So this is the RC phase shift oscillator which we are getting as a output as a
sinusoidal oscillators. So we'll stop here.